देश की सीमा रक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल अपने कर्तव्य निर्वहन के साथ साथ सामाजिक दायित्व के निर्वहन के साथ सीमाई आबादी के सुख दुख में हर समय उनके लिए भागीदारी निभाते हैं, किसी भी आपदा के समय उनकी मदद करते हैं। इसी कड़ी में जैसलमेर के सीमावर्ती रामगढ़ क्षेत्र में शनिवार देर रात एक विशाल चारा संग्रहण केंद्र में आग लगने के बाद बीएसएफ की 161वीं बटालियन के कमांडेंट सुरेंद्र कुमार की जानकारी के बाद दिए गए दिशा निर्देशों के बाद बीएसएफ के 100 जवानों और अधिकारियों ने अपने कर्तव्य को बखूबी निर्वहन करते हुए करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस विशाल क्षेत्र में लगी आग पर काबू पाया और आग को फैलने से रोका और एक बहुत बड़ी आपदा को टाल दिया। दरअसल 161 बटालियन रामगढ़ के गेट पर खड़े संतरी बीएसएफ कैंपस के सामने दूसरी तरफ लगे हुए लगभग 700 ट्रॉली चारा संग्रहण केंद्र में अचानक लगी आग को देखा, जो लगातार फैलती ही जा रही थी और विकराल रूप धारण कर रही थी। घटना की सूचना मिलते ही यूनिट के अधिकारी और एक जवान तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। आग लगभग 80 मीटर लंबे और 50 मीटर चारे के ढेर में लगी हुई थी, जो तेज हवा के कारण और आगे फैल रही थी। दिशा निर्देश मिलने पर तुरंत बीएसएफ टैंकर की मदद से और पानी की बाल्टियों की मदद से घटना स्थल पर उपस्थित लगभग 100 से ज्यादा बीएसएफ कार्मिकों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। साथ ही बटालियन द्वारा फायर ब्रिगेड कार्यालय को और पुलिस थाने को सूचना दी गई। साथ ही भूसे के मालिक को भी, जो रामगढ़ निवासी था, उसे भी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद विद्युत तापीय गृह रामगढ़ और जैसलमेर के फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और पुलिस के आने से पहले ही 2 घंटे की मशक्कत से 161वीं बीएसएफ बटालियन के अधिकारियों और कार्मिकों ने काफी हद तक आग पर काबू पा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।